यूसी नराते हैं, आपने सिर्फ अपनी खुशियों पे ध्यान देना है, ये फैट फूड का माता रानी देख लेंगी। अब व्रत का टाइम है, आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है और गाली गुली बिल्कुल नहीं देनी। तो अर्ली मॉर्निंग की जितनी भी बॉस की कॉलें हैं वो आपने अवॉइड कर देनी है। सुबह सुबह आपने अर्ली मॉर्निंग 12 बजे उठ जाना है और कुट्टू के आटे की पूड़ी और आलू मखाने की सब्जी का भोग आपने माता रानी को चढ़ा देना है। भोग का प्रसाद है, हेल्दी हो गया। यूसी अब आपने फैट फ्री नाश्ता कर लिया, कोई आपको लंच में बोले सेब खाओ, केला खाओ, संतरा खाओ, आपने बोलना है बाढ़ में जाओ, सिंगाड़ी के पकौड़े, करारी आलू चाट के साथ दही सौंठ डाल के खा लेना, ग्रीन्स खाने चाहिए, साथ में हरी चटनी और डाल लेना। व्रत में भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, शरीर चलना चाहिए, तो आपने शाम को मज की तरह सोफे पे बैठ के चाय पिला दो, नहीं चिल्लाना है, विदाउट एनी एक्सक्यूज अपने सोफे से जिससे चाय बनवानी है उसके कमरे तक पैदल चल के जाना है, वहां जाकर उसको बोलना है चाय पिला दो। रूखी चाय पिलाने वाले को माता रानी का पाप लगता है, तुम्हारी खुशियों से जलने वाले लोग तुम्हारे को देंगे शुगर फ्री चाय पीने की टिप्स। ऐसे लोगों का पहले आपने नंबर डिलीट करना है, फिर इनको जिंदगी से डिलीट कर देना है। एंड एंजॉय योरसेल्फ विद चाय, चीनी मार के एंड करारे आलू वाले चिप्स। अब व्रत है तो यूसी डिनर आपने मॉडरेट करना है, तो आपने हल्दीराम से एक नराता थाली और एक सबक के चावलों की खीर मंगा के ठूस लेनी है। अगर शाम के वर्कआउट के बाद आपको वीकनेस फील हो रही हो तो खीर दो मंगा लेना। अब आपकी ब्यूटीफुल स्माइल से सड़ने वाले लोग आपको बोलेंगे डॉक्टर आलू पराठा वालिया फ्रॉड है, ऐसे लोगों की आपने सुननी नहीं, इनको सीधा करो ब्लॉक। आपकी लाइफ, आपको जो खाना है आप खाओ, सारे बोलो जय माता दी, लेट्स रॉक।